खरगोन जिले में धूलकोट से जूना बिलवा की 8 किलोमीटर की सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है, जिसका विरोध दर्ज कराने के बाद एसडीएम मिलिंडो के प्रशासनिक महकमे के साथ पीड़ितों के बीच पहुंचे और सड़क की समस्या देखकर समस्या से जल्द निजात दिलाने की बात कही। हम आपको बता दें कि खारक बांध का निर्माण होने के बाद भी अब तक पक्की सड़क निर्माण कार्य नहीं हो सका, ऐसे में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया, रोड नहीं होने से प्रसव पीड़ा के दौरान हमेशा जान जोखिम का खतरा बना रहता है और ऐसे में कच्ची सड़क निर्माण की बजाय पक्का निर्माण कार्य किया जाए ताकि आने वाले समय में समस्या से निजात मिल सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दो महिला का बच्चा शिशु जो पेट में था, क्योंकि समय पे हॉस्पिटल पहुंचे। बता ये सड़क कितने पुरानी, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए? ये तो 50 साल से ज्यादा है। खारक डैम कितना पुराना? खारक डैम तो 11 साल। हां नहीं पता ये इतनी समस्या हुई, देखा था। दो महिला का बच्चा शिशु जो पेट में था, क्योंकि समय पे हॉस्पिटल पहुंचे। बता ये सड़क कितने पुरानी, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए? ये तो 50 साल से ज्यादा है, बहुत पुरानी है। नहीं खारक डैम कितना पुराना? खारक डैम तो 11 साल। पंचायत के बाद तो आप तो खुद ही पंचायत में देख ही रहे हैं, पंचायत के पास कोई बहुत ज्यादा रकम तो आती नहीं है। नहीं, पर एक ही किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की मांग करके बनवा सकते हैं, 5 साल या 8 साल। जैसे हमारी पंचायत बड़ी, हम ये नहीं चाहते कि पंचकोट के हायर सेकेंडरी स्कूल से ग्राम जूना बिलवा तक पक्के सड़क के निर्माण और डामरीकरण की मांग करते हैं। सड़क न होने के कारण से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं हम अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे गांव की महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस एवं अस्पताल में जाने के लिए सड़क न होने के कारण उनके और उनके बच्चों दोनों की जान को खतरा है। हमारे गांव की दो गर्भवती महिला अनिता पति सुरेश और संगीता पति सीताराम, उनके घर तक एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण समय पर अस्पताल न पहुंच सकी और उनके बच्चों की गर्भ में मृत्यु हो गई है। इसके अलावा ये देखो, जैसे सबको विदित है कि धूलकोट से ये खारक डैम तक जो पूर्व की सड़क थी, जिस सड़क से इस डैम का निर्माण हुआ था, वो बहुत ख़राब हो गई। वास्तव में आने जाने में बहुत उसमें तकलीफ है। उसी विषय को लेकर ग्राम वालों का फ़ोन भी आया था, ज्ञापन भी उन्होंने दिया था, उसी को लेकर यहाँ पर आए थे जिला पंचायत के सीओ साहब, वो WRD और PMGSY सारे अधिकारियों से। अभी तो जो बेहतर जितना जल्दी हो सकते हैं उसको करवाने की कोशिश करेंगे। अभी एक दो दिन में अभी मुरुम डलवाने का काम शुरू करवा रहे हैं ग्रामीण स्तर से, मतलब ग्राम पंचायत से। फिर PMGSY का एक प्रपोजल भेज, 7 या 8 मीटर की सड़क का उसको कार्रवाई आगे करने के लिए कोशिश करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।